गुड इवनिंग क्लास कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट करिएगा क्या मैं ऑडिबल विजिबल क्लियर हूँ कुछ टेक्निकल इशूज़ था जो होने की वजह से ध्यान रखिएगा मैं अभी साढ़े आठ बजे जो पौने नौ बजे क्लास होती है अपनी उसमें हम लोग नहीं आ पाए लेकिन फिर भी मैंने उसको ठीक कराने के बाद मैंने सोचा कि क्लास को जरूर रखेंगे आज चाहे थोड़ा लेट कर लेते हैं राइट तो एक बार सभी लोग कमेंट करें आई एम ऑडिबल विजिबल क्लियरली मैं अच्छा हूँ प्रिया जी बाकी सब अच्छे कैसे हैं बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग अब क्लियर है मैं बिल्कुल विजुअल दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल सही दिखाई दे रहा हूं बताइए यस और नो। मेरी आवाज क्लियर है माइक क्लियर दिखाई दे रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ राइट right. बिल्कुल ऑल क्लियर वेरी गुड तो चलिए आज की जर्नी को हम लोग करते हैं स्टार्ट और जानेंगे कि हमें आज क्या पढ़ना है राधे राधे सभी को राधे राधे Okay. चलिए एक बार सचिन को लाइव शेयर कर दीजिएगा और सचिन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना पहले जान लेते हैं कि देखिएगा पहली बात तो हम तीन चार बिंदुओं पर तुमसे डिबेट करेंगे पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि हम एक टॉपिक को भी लर्न करेंगे जैसा कि आपको वादा किया है मैंने कि हम एक टॉपिक को भी लर्न करेंगे उसके कुछ आस्पेक्ट जैसे आज हम बैंकिंग के बारे में जानेंगे यू कैन नाउ कि हम लोग इकोनॉमी uh, के जो एस्पेक्ट होते हैं जहां से में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ये सारी चीजें हम लोग यहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे एंड आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे टेस्ट भी करेंगे जहां मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे सब लोग टेस्ट के लिए रे भी रेडी हो जाएगी तीसरी बात यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे राइट सर मेरे ईयरफोन को लग गया अरे यार क्या बात है यार लव यू ऑल ऑफ यू यार एंड थर्ड पॉइंट हम तुमको पर डे एक टारगेट देते हैं किसी का जो आपको टॉपिक टारगेट की आपको ये पढ़ना है जिससे कि मेन मेन टॉपिकों पर मैं आपके सामने यहां समझ को विकसित कर पाऊंगा राइट right? तो एक बार सचिन को लाइक शेयर कर लीजिएगा पहले हम टॉपिक पढ़ें या टेस्ट करें जैसे आप बताएं कमेंट करिएगा पहले टॉपिक पढ़ें या कमेंट करें आई होप बिल्कुल अब बिल्कुल विजुअल हूं मैं क्लियर हूं कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ बताइए क्या चाहते हैं आप पहले टॉपिक पढ़े या कमेंट सॉरी टेस्ट करने पहले बताओ। ओके, ओके, टॉपिक को हम लर्न कर लेते हैं राइट तो आई होप मुझे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं टॉपिक का नाम है बैंकिंग देखिएगा बैंकिंग अपने आप में लगभग तीन से चार घंटे क्लास का टॉपिक है इसके दो पैरामीटर्स पे हम इसको कवर कर सकते हैं दैट स्टैटिक पार्ट एंड सेकेंड इज डायनेमिक पार्ट नोट डाउन करते हुए चले मेरे साथ तो डायनेमिक पार्ट वो है जो हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इफेक्ट हुआ है दरों में क्या इफेक्ट हुआ है या कुछ ऐसे बैंकिंग लोकपाल क्या है कुछ ऐसे हम लोगों ने बैंकों को मर्ज करना स्टार्टिंग कराया उसकी वजह क्या है इसके भी प्री मीन्स के एस्पेक्ट में कहानी बन जाएगी तो ये स्टेटिक पार्ट में यही नॉर्मल बातें है कि आर की स्टेब्लिश कैसे किया गया आर का हेड क्वार्टर कहाँ पर है इवन आर की स्थापना करते समय गवर्नर कौन थे कितने गवर्नर्स होते हैं कितने क्या करती है ये सब छोटी सी बातें हैं तो इसको ना करके हम पहले डायनेमिक बातें पे कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए डायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसमें आपके ज्ञात होगा कि बैंकों के ढांचों को दो प्रकार से हम लोग रख सकते हैं राइट तो आज सिर्फ एक दो पॉइंट पढ़ेंगे जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी थीम बन जाएगी एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बैंक जो रेट होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के बारे में कौन कौन जानता है सपोज डिवेड डबल आर क्या होता है ट्रिपल आर क्या होता है एम क्या होता है पी क्या होता है एस क्या होता है ओ ओ क्या होता है दैट इज अ मेजर आस्पेक्ट फॉर बैंकिंग रेट बताइएगा कितने लोग इनके बारे में जानते हैं तो आई थिंक यू नो कि बैंकों को दो प्रकार में रखा जाता है एक शेड्यूल बैंक होती है एक नॉन शेड्यूल बैंक होती है शेड्यूल मतलब एक अनुसूचित बैंक होती हैं और एक गैर अनुसूचित बैंक होती हैं इट मीन मतलब ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक्ट है 1934 जो आर का एक्ट है जिसकी स्थापना 1934 के एक्ट के माध्यम से की गई थी वो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग अनुसूचित बैंक कहते हैं दैट द शेड्यूल बैंक एंड जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे अनुसूची नंबर दो में नहीं आती हैं उनको हम क्या बोलते है? कहते हैं, द, बैंक कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे तो कुछ गवर्नमेंटल होती, होती मतलब इनका, इनका उद्देश्य क्या होगा इनका उद्देश्य है मुनाफा कमाना पैसा कमाना राइट और इनका उद्देश्य क्या होगा सरकारी बैंकों का मुनाफा नहीं कमाना बस एक गवर्नमेंट को लीड करना गवर्नमेंट को क्या करना टर्न करना राइट तो चलिएगा आज हम आज हम यहां से कुछ यहां पे बात करेंगे सिर्फ बैंक रेटों के बारे में जिसके बारे में मैंने यहां इसका थंबनेल के उस पर लगाया गया है तो चनेत थोड़ी सी फिल्म को समझते हैं और बड़ा बड़ा मजा यहां से आ जाएगा आइए पूरी कहानी लेके चलते हैं मौद्रिक नीति टरी पॉलिसी अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को कई पैरामीटर से हम लोग काउंट कर सकते हैं दैट मींस एक होती है क्वांटिटेटिव इसका मतलब क्या होता है क्वांटिटेटिव जो होती है जिसको परणात्मक हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसके बाद कुछ एक जनरल पॉलिसी होती है जनरल पॉलिसी के बाद अगर जाएंगे तो यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिसीज भी होती हैं इन पॉलिसीज को मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हम लोग मौद्रिक नीति की तरह काउंट करते हैं और ये दोनों चीजें जो बातें होती हैं किसके अंडर में होती हैं ये आरबीआई के अंडर में होती हैं यानी आरबीआई इसको कोऑर्डिनेट करती है अब ये है क्या इसको बड़े लॉजिकल पैटर्न से समझने का प्रयास करेंगे देखिएगा बहुत मजा यहां से आ जाएगा सपोज कर लीजिएगा हमारा आरबीआई क्या है बैंकों का बैंक है बापों का बाप है यानी आरबीआई क्या है बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक है हमारी वो क्या करता है पूरे इंडिया को इकोनॉमिकल चीजों को चलाने का प्रयास करता है अब ये सर हम लोग ये बताएं कि इकोनॉमिकल चीजें कैसे चलेंगी एग्जाम्पल समझिएगा आप आप, आपका घर है अगर यहां कोई मुखिया नहीं होगा तो पैसा देगा कौन पैसा लेगा कौन पैसा चलाएगा कौन ज्यादा है तो वहां से लेना किससे है देना किससे है तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, का काम करता है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो भेजने का काम करेगा मार्केट में पैसा ज्यादा है तो खींचने का काम करेगा अगर मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू घट जाएगी लोग उसकी कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा वहां से आर्मी को खींचने काम करता है तो ऐसे ही पॉलिसी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से ध्यान रखना यहां पे जो आरबीआई है वो एक प्रकार से ऐसी नीति को अपनाता है जिसके माध्यम से क्या हुआ अतरलता बनी रहे तो यहीं से कई सारे साख को नियंत्रण करता है यहाँ पे नैतिक दबाव को कम करता है डिफेंस ब्याज की दर को बैलेंस करता है बाजार को संतुलन करता है ये उपभोक्ताओं के साख का निगमन करता है मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ डिसाइड करता है और भी कहा जाए तो जो हमारे पास बैंकिंग होती है उनका संचलन करता है तो यानी आर की मॉनिट्री पॉलिसी जो होती है वो कई प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखना इंप्लीमेंट की जाती है लेकिन आज हम दो तीन रेटों पे बात करेंगे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसकी थोड़ी ब्रीफिंग समझते हैं देखिएगा तो आज हम चर्चा करेंगे बैंक रेट के बारे में और सब कॉपी लेके लिखते चले जाए बड़ा मजा आ जाएगा तो आपने देखा होगा हमारे देश में बैंकों से पहले साहूकार व्यवस्था हुआ करती थी इसका मतलब यह था कि जब किसी को पैसा दिया जाएगा तो कुछ उससे लाभ कमाया जाएगा कुछ ब्याज लिया जाएगा उस लाभ को किस रूप में काउंट किया जाएगा उस पर लगने वाले मजे को या दर को हम लोग रेट कहते थे लेकिन प्रश्न यह बन जाता है अगर इसके सापेक्ष में हम लोग जाएं तो थोड़ी सी बात को समझने का हम लोग प्रयास करें यहां से तो बैंक रेट एक वो दर है वो रेट है जो कौन लगाता है बोलेंगे सर आरबीआई लगाता है किस पर लगाता है कॉमर्शियल वाणिज्य बैंकों के ऊपर लगाता है कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर लगाता है क्यों लगाता है जिससे कि एक प्रकार से कहा जाए तो चीजों को बैलेंस किया जाए तो ऐसे ही बहुत सारी दरें होती हैं कुछ लॉन्ग टाइम रेट होती हैं कुछ शॉर्ट टाइम रेट होती हैं कुछ यहां ओपन रेट होती हैं कुछ कहा जाए तो रिवर्स रेट होती हैं तो यहां कई प्रकार की रेटों को रखा गया जिसमें हमने पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है उसका नाम क्या है डबल आर तो आइएगा पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि डबल आर क्या देखो यहां से प्रश्न ज्यादा आता है याद रखिएगा डबल आर इसको पढ़ते हैं बड़े मजे से डबल आर का मींस क्या होता है रेट बड़े या मस्ती समझो यहां से प्रश्न घूमता है कि डबल आर के बढ़ने से क्या होगा डबल आर के घटने से क्या होगा ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हुए चले जाएंगे एक बार कमेंट करें तैयार है कमेंट करिए सब लोग चले डबल आर को पढ़ेंगे बहुत मस्ती के साथ अगर कभी जीवन में प्रश्न आएगा डबल आर से तो आप ये सोच के चलें कि बच के नहीं जाएगा सभी लोग कमेंट करें फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं राइट चलें। बिल्कुल आप देखो यहां से स्टार्ट करते हैं आप इसे नोट डाउन भी कर लेना बड़ा मजा आ जाएगा उसको पूरी प्रीभिंग से पढ़ा देता हूं आपको देखो डबल आर भी एक रेट है आप सोचो ये आरबीआई बैठा हुआ है और बाकी यहां क्या बैठे हुए हैं बैंक बैठे हुए हैं बैंक में कोई भी हो सकता है जो मार्केट है जो बाजार है हमारा उसको बड़े बेहतरीन समझने का प्रयास करें आरबीआई डायरेक्टली जनता को लोन नहीं देता है इसके पीछे कौन बैठा हुआ है ये बैंक बैठी हुई है और बैंक क्या ये पीपल जनता बैठी हुई है अब सोचिए इमेजिन करिएगा बैंकों को नीड होगी पैसे की कहां जाएगी यहां जाएगा जनता को नीड होगी तो यहां जाएगा तो ऐसे ही आरबीआई भी इन बैंकों को ब्याज पैसा देती है क्लियर अब यहीं से समझने का प्रयास करें कि जब पैसा किसको मिलेगा बोलेंगे सर आरबीआई को मिलेगा आरबीआई देगा किसको बैंकों को और बैंक ये सिक्योरिटी कहां जमा करेंगी आरबीआई के पास तो जब आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा देती है और देने के बदले उससे जो इंटरेस्ट लेती है उस पर लगने वाले दर को या रेट को हम क्या कहते हैं डबल आर कहते हैं इसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं इसका मतलब अब दो पॉइंट समझने का प्रयास करें जब तुम एग्जाम्पल बेस पे बैंक से पैसा लेने जाओगे तुम क्या जमा करोगे कुछ सिक्योरिटी जमा करते हो किस चीज की या तो अपने एक मकान के कागज दोगे किसी भी चीज के कागज दोगे क्यों आपने आरबीआई को उसके बैंकों के पास सिक्योरिटी जमा कर दी और वहां से पैसे लेके चले आगे अब तुम्हारे दिमाग में समझने का प्रयास करें कि यहां पर दर ब्याज किसको मिलता है बोलेंगे सर आर को पैसा कौन लेता है बैंकें लेती हैं जमा किसको करना पड़ता है इन बैंकों को किसके पास जमा करना कब करना पड़ता है आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है यानी ये हम ये कह सकते हैं कि जब कॉमर्शियल बैंक आर बी के पास सिक्योरिटी जमा करने के उपरांत यहाँ से पैसा लेती हैं और पैसा लेने के बाद यहां पर जो देती हैं जो दर ये वाली ब्याज देती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं डॉलर कहते हैं अब थोड़े से लॉजिकल पॉइंट समझने का प्रयास करें बहुत मजा यहाँ से आ जाएगा आर बी ये है इसके नीचे बाकी बैंक बैठी हुई हैं मान लो एस बैठा हुआ है यहां पे और ये पीपल जनता बैठी हुई है समझने का प्रयास करें एस ने पैसा लिया इसने इसको दिया ब्याज कौन देगा एस देगी बिल्कुल ठीक है ऐसे ही यहां पे जनता पैसा लेगी तो ब्याज कौन देगा पीपल जनता ये देगी अब यही बात समझने का प्रयास करें कि आर के द्वारा दिया गया पैसा बैंकों पर लगने वाले दर को हम लोग क्या बोलते हैं रेपो रेट कहते हैं बात क्लियर है बात क्लियर है यहां तक अब इसके कुछ आपके एस्पेक्ट में बताऊंगा कि डबल आर और ट्रिपल डबल आर के बढ़ने के घटने के कौन कौन से कारण हैं ये दोनों पॉइंट हम समझने का प्रयास करें अब आइएगा आरबीआई एस बी को पैसा देती है जनता यहां देती है सपोज कर लो ये बैंक पैसा जाएगा आठ परसेंट पे तो भैया नॉर्मल बात है कि दस परसेंट पे ही जाएगा ऊपर ही जाएगा और ये जाएगा अगर चार परसेंट पे तो क्या होगा यहां पे पैसा पांच छह परसेंट पे जाएगा इसका मतलब आप तुम ये इवेल्युएट करिएगा कि जब डबल आर ज्यादा होती है तो जनता को टैक्स या दो दर है ब्याज अधिक लगाया जाता है अगर यहां पे दर जो है कम होती है तो यहां पे पैसा क्या है ज्यादा की जगह कम मतलब कम दर लगाई जाती है अब इसके दो एक्सपेक्ट पड़ेंगे कि डबल आर जो है अगर कम है तो क्या होगा और अधिक है तो क्या होगा बड़े मजे के साथ सोचने का प्रयास करें आज ही तुमसे सब ये कह दिया जाए कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर चार परसेंट जो होता है वो भी एसआई SI के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसी को तुम 20 परसेंट कर दीजिएगा क्या कोई किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेगा बोलेंगे सर नहीं लेगा क्यों लेता है क्योंकि वहां दर क्या है कम है तो दर कम होने की वजह से लोग भगे भगे आएंगे यहां पे एस या बाकी बैंकों के पास कि साहब मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए क्यों, क्यों? क्योंकि दर कम है और आज ही तुमसे कह दिया जाए कि तुमको एक ब्याज की दर देनी है बी गाड़ी पर तुम भगे भगे जाओगे क्यों क्योंकि तुम्हारी दर कम लग रही है इसीलिए अगर आर के पास यहां पे दर कम होती है डबल आर तो कम होने से देखो क्या क्या होगा पहली बात जब कम होगा तो जो एस है ये बाकी बैंक के आरबीआई से क्या लेंगी पैसा लेंगी तो यहां आरबीआई से जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा बैंकों से सस्ता मिलेगा क्या लोन सस्ता मिलेगा अब लोन जब सस्ता मिलेगा आरबीआई से तो क्या होगा बैंकों के बैंक के पास भी क्या होगा पैसा ज्यादा जाएगा तो यहां बैंकों के पास भी क्या होगा पैसा ज्यादा जाएगा और जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो समझने का प्रयास करें लोग खरीदने के आएंगे ज्यादा लेने ले आएंगे तो नहीं लोगों के पास भी पैसा कैसा होगा बोलेंगे लोगों के पास भी पैसा सस्ता आ जाएगा यानी कह सकते हैं लोन क्या होगा लोन की दर क्या होगी कम होगी तो लोगों के पास पैसा क्या होगा ज्यादा हो जाएगा बात समझो बड़े आराम से जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे निवेश करेंगे निवेश इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होगा ज्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो एक पॉइंट समझने का प्रयास करें जीडीपी बढ़ेगी घटेगी बोलेंगे सर ज्यादा बढ़ेगी इससे क्या चल रहा है भाई लोगों को पैसा सस्ता मिल जाए तो क्या होगा लोग यहां लोन लेने चले आएंगे और जब लोन लेने चले आएंगे तो क्या होगा वो निवेश करेंगे और निवेश करेंगे तो उत्पादन करेंगे उत्पादन करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी सिंपल सी बात है यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन पैदा होगी जीडीपी बढ़ेगी और समझने का प्रयास करें अब जब निवेश बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी तो पॉइंट सोचिएगा निवेश बढ़ने से, से शेयर क्या होंगे खरीदने पड़ेंगे निवेश बढ़ने से क्या होगा शेयर खरीदने पड़ेंगे तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से लोग शेयर में पैसा लगाएंगे और पैसे लगने से क्या होगा मांग बढ़ेगी कहाँ की विदेश की और विदेश की मांग बढ़ने से क्या होगा विदेशी भंडारण बढ़ेगा देखो तो लफ्ज लेके जाओ विदेशी भंडारण जो होगा वो यहां पे बढ़ेगा विदेशी भंडारण बढ़ने की वजह से क्या होगा आप कह सकते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा, मुद्रा का क्या होगा भंडार बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का भंडार अगर बढ़ेगा तो हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी पैसे की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में हमारी क्या होगी वर्चस्व बढ़ जाएगा इससे यह चलता है कि डबल आर अगर हमारे पास कम है तो यहां पे पर सिचुएशन हो जाती है लेकिन इससे क्या होता है इससे दूसरी समस्या यह पैदा होती है कि यहां पे इन्फ्लेशन की वैल्यू आ जाती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा उसकी कदर नहीं करते हैं तो मालदार घर में जाके देखिएगा बेटा मांगा दस रुपए दीजिएगा ले बेटा सौ रुपए ले जा मम्मी पूछेगी भी नहीं हिसाब किताब क्या हो रहा है और एक गरीब घर में जाके देखिएगा दस रुपये भी मांग रहा है क्या करेगा बेटा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा कितने की मिलेगी पहले यह बता आठ की मिलेगी दो रुपए क्या करेगा दो रुपए भैया दोस्त को दे दूंगा यानी हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि डबल आर के कम होने की वजह से मैंने आपके सामने पूरी फिल्म बना दी कि डबल आर कम होने की वजह से यह सब होगा लेकिन समस्या क्या निकल के आ जाएगी कि हमारे पास इन्फ्लेशन जो मुद्रा स्फूति है उसके होने के चांस होते हैं लेकिन अगर हम डबल आर ज्यादा है सपोज करने का प्रयास करें डबल आर ज्यादा होगा तो क्या होगा लोग यहां पे बैंकों के पास पैसा क्या होगा बताओ बैंकों के पास पैसा कम जाएगा बैंकों के पास कम जाएगा क्योंकि लोन क्या मिलेगा उसको लोन यहां पे महंगा मिलेगा इसलिए पैसा कम जाएगा लोन महंगा मिलेगा तो बाजार में निवेश क्या होगा बाजार में निवेश क्या होगा कम होगा और निवेश कम होने से उत्पादन भी क्या होगा उत्पादन भी कम होगा उत्पादन कम होने से फिर क्या होगा जो हमारे पास डिमांड हो रही थी वो डिमांड ही क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी और डिमांड खत्म होने की मुद्रा के अंतर्गत हम लोग तरलता को बनाए रखते हैं तो तरलता के लिए ये भी जरूरी होती है लिक्विडिटी बनी रहे बाजार में जिससे कि हम मुद्रा स्पूति को हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं तो यानी यहां पे डबल आर ट्रिपल डबल आर के होने के क्या क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं क्या नेगेटिव आस्पेक्ट हैं बताइए मजा आया नहीं आया कमेंट करके क्लियर यानी एक ही वर्ड में अगर मैं कहूँ आपसे थोड़ी सी फिल्म बनाने का प्रयास करें अगर आपने ये सब चीजें समझ गई समझ ली हैं तो दिमाग में रख लीजिएगा कि डबल आर सरकार जो हमारी बैंक है आर है वो अपने अकॉर्डिंग करती है जब लगता है बाजार में पैसा कम है तो भेजने का काम करती है लगता है पैसा ज़्यादा है तो वह खींचने का काम करती है भेजना है तो दर कम कर देगी खींचना है तो दर ज़्यादा कर देगी देखिएगा क्यों क्योंकि बाजार में उसका बैलेंस बना रहे इसी को कहते हैं डबल आर ट्रिपल आर क्या कहते हो सर बताइए कमेंट करिए एक बार सभी लोग देखते हैं तुम लोग कितना कमेंट करते हैं मजा आया नहीं आया चैप्टर में बताइएगा सर सोचिएगा क्लियर है कंसेप्ट समझिएगा यहीं से प्रश्न वो पूछता यूपीएससी वाला देखिएगा यूपीएससी वाला वो यहीं से प्रश्न लेके आता है कि बताइएगा डबल आर के बढ़ने घटने से क्या होगा ये सारे क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर मजा कैसे आएगा मुझे भी है ना बोलिए बताइए कमेंट करिए जल्दी से बताएं फटाफट कमेंट कर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है तो एक और पढ़ते हैं बाकी हम कल कर लेंगे ये कहानी आपकी चलती रहेगी मस्ती के साथ बस आप बने रहिएगा प्यार मोहब्बत देते रहिएगा अपना अब देखिएगा अगर अब यहां से बात करते हैं ट्रिपल आर की देखिए ट्रिपल आर के बारे में जान लेते हैं फिर आगे चलेंगे रिवर्स रेट अब ये क्या देखो समझ में बड़े मजा आ जाएगा यहां से पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बनने स्टार्टिंग हो जाएगी एक सेकेंड में कमेंट पढ़ लू आपके सारे उसके दागे हम लोग लेके चलते हैं तो कभी भूलोगे डबल आर आर को बताइएगा डबल आर को आप लोग भूलोगे नहीं भूलोगे बताओ कमेंट करके सुपर गुड थैंक यू फॉर ड्रिपलाइंग चलिए अब देखो आरबीआई के पास पैसा है। ये बाटी, रही है तो कहां जमा करेगी एस में जमा करेगी अब एस के पास पता है कि जनता के पास तो पहले ही ऑलरेडी पैसा ज्यादा है तो क्या यह पैसा मार्केट में जाएगा उसे लगेगा नहीं अब तुम्हारे घर में अगर सब कुछ रखा है और जनता को लगता है कि यहां पर तो यहां पर देखा जाए तो वापस ही पैसा नहीं जा रहा तो आरबीआई के पास खड़ा होकर क्या करेगा आरबीआई इससे लाभ कमाना चाहेगी तो ये बोलेगी आरबीआई के पास जाके बोलेगी कि हाय मेरी आरबीआई कि भैया मेरे पास पैसा है और मुझे यहां पे इसको मतलब जमा करना है ठीक है वो कहेगी मैं तुम्हारी सबकी बापों का बाप मुझे जमा कर दीजिएगा जब वो यहां जमा करेगी तो जमा करने का मतलब ये तो है नहीं कि यहां सोच भाई, भाई भाई बहन है ये तो सब व्यापार चलता है यहां से कह रहे सर मुझे क्या मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा तो जब इन बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है ये जब आरबीआई के पास जमा करती हैं तो आरबीआई इनको कुछ इंटरेस्ट देती है कुछ दर देती है उस दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिपल आर कहते हैं देखो सर क्या बात है सर मजा आ गया यानी जब अन्य बैंकों को लाभ के रूप में आरबीआई के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है या धनराशि दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं ट्रिपल आर कहते हैं इसका मतलब यहां पे पैसा किसको मिलेगा आरबीआई को मिलेगा जमा कौन करेंगी? करेंगी मजा किसको आएगा अन्य बैंकों को, को आएगा देगी कौन मजा आरबीआई देगी बात दिमाग में आ रही है तो यानी ये रेपो रेट का हमेशा क्या उल्टा है यहां पे आरबीआई इनको पैसा देती है ये मजा आरबीआई को देती है डबल आर और यदि ये पैसा इसको देती है मजा ये लेती है तो क्या है ट्रिपल आर है तो डबल आर का उल्टा ही क्या होता है ट्रिपल आर होता है इसका मतलब यह है कि जब बैंकों के बाजार में जब आपूर्ति की श्रृंखला के अंतर्गत बैलेंस करने के लिए बाजार की तरलता को संयुक्त करने के लिए तो बाजार से पैसा सोखना होता है उठाना होता है है ना अब सोचो इमेजिंग करिए मजे की बात आरबीआई ये कह रही है आरबीआई ये कह रही है कि मैं तुम्हारा पैसा 7% पे वापस ले लूंगी लेकिन ये 9% पे यही जा रहा है तो बताओ एस बी आई कहां जमा करेगी आरबीआई के पास जमा करेगी या मार्केट में भेज देगी बोलेंगे सर मार्केट में भेज देगी लेकिन जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी वो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों के पास आदमी खुद जमा करा लगातार तो कहां करेगी भैया कम से कम सात परसेंट तो मिल ही जाए इसलिए वो आरबीआई के पास जमा करती है तो अब तुम इससे ये समझ पा रहे होगे कि जब आरबीआई के पास पैसा जमा करने के बाद जो मजा दिया जाता है अन्य बैंकों को उसे क्या बोलते हैं ट्रपल आर कहते हैं देखिएगा बोलिए सर ये सर नो बताओ कमेंट करके अब इसकी कहानी को समझते हैं बड़ा मजा यहां से आ जाएगा आरबीआई ये रही आरबीआई और बाकी एस बी आई एग्जाम्पल बेच में समझ लेते हैं ये रही बैंक ये रही तो ये जमा कहां करती हैं पैसा आरबीआई के पास और इसे मजा किसको मिलता है दर कौन लेता है प्याज कौन देता है आरबीआई इनको देती है तो यानी यहां पर ये रेपो रेट का उल्टा है तो यहां बैंकों के बाजार में आपूर्ति को बनाए रखने के लिए वैसा किया जाता है उसको ट्रिपल कहते हैं अब पॉइंट ये बनेगा देखो बड़ा मजा आ जाएगा अब तुम इसको समझना कि डब ट्रिपल आर और डबल आर की कहानी को तुम समझ जाओगे तो मजा इसलिए आएगा कि अब बताओ डबल आर अगर ट्रिपल आर अगर कम है तो क्या होगा सोचो इमेजिन करेगा अगर ट्रिपल आर कम है तो जो बैंक हैं बिचारी ये है, जो ये बैंक हैं वो आरबीआई आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे या नहीं करेंगे बोलेंगे सर नहीं करेंगे क्यों मार्केट में भेज देंगे उसको क्या करेंगी उसको मार्केट में भेज देंगी समझो ना बात को ये रही ट्रिपल आरबीआई ये रही एस और ये रही जनता अब ये तो सात परसेंट पर ले रही है आरबीआई और 9 पे जा रहा तो बताओ बैंक के कहां जमा करेंगे आरबीआई पास ही उधर जाएंगे भैया यानी व्यापार है ये भाईचारा नहीं है व्यापार है तो ये कहां भेजेंगी मार्केट में तो यहां कम होने की वजह से आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं होगा और जब पैसा जमा नहीं होगा तो कहां जाएगा बाजार में जाएगा क्या होगा बाजार में जाएगा तो अब बाजार में जब जाएगा तो बाजार में क्या होगा और बाजार में जाने के बाद निवेश भी बढ़ेगा और पैसे, भी I mean, पैसे की तरलता भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी यानी पैसे की तरलता भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और जब ज्यादा हो जाएगी तो यहां पे जीडीपी क्या होगा बोलेंगे सर जीडीपी क्या होगा यहां से बढ़ेगा बाकी इसके बाकी जो एक्सपेक्ट है जीडीपी बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा आयात कम होगा समझने का प्रयास करें थोड़ा सा घर बढ़ता है तो मोहब्बत भी बढ़ जाती है पैसा भी बढ़ जाता है सब आ जाते हैं लेकिन अगर गरीबी है बेरोजगारी है शिक्षा है ना कोई भाईचारा रहता है ना कुछ रहता है इसलिए समझने का प्रयास करें कि यहां पॉइंट समझें अगर ट्रिपल आर जो है है अधिक है ज्यादा अधिक तो क्या होता है जब ट्रिपल आर ज्यादा है तो बैंकें मुनाफा कमाने के लिए यहां पैसा नहीं भेजते मान लो यही आठ नौ परसेंट साढ़े नौ परसेंट कर दें तो क्या होगा आरबीआई एसबीआई जो है मजे के लिए पैसा यहां नहीं भेजेंगे

तो उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई जो है समय समय पर डबल आर का ट्रिपल आर का निर्धारण करती रहती है उसे लगता है कि बाजार में बाजार से पैसा खींचना है क्यों क्योंकि भैया उनकी वैल्यू खत्म कर चुके हैं कोई आदमी कह रहा है ले भैया हजार रुपए नहीं दो हजार रुपए ले दारू पीनी है पांच रुपए की नहीं हजार रुपए की पिएंगे इसका मतलब पैसे की वैल्यू खत्म है उस घर में और उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई यही काम करती है तो दिमाग में आ रहा है बताओ यस और नो कमेंट करके सर या 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 और या बताओ मजा आया नहीं आज की क्लास में बताओ क्लियर है यहां तक मजा बताओ कमेंट करके बताओ यस नो मजा आया नहीं आया बताओ क्लियर है अब ऐसा कहा जाता है अक्सर आप देखते होंगे कि अगर हमारे पास ये दो दरें मैंने आपको बताई हैं एक डबल आर एक ट्रिपल आर इसको ऐसे समझो कि आर ये बैठी हुई है ये अन्य बैंक के एस बैठी हुई है और ये जनता पीपल बैठा हुआ है अब ये समझने का प्रयास करें कि आर जब इनको पैसा देगी तो यहाँ पे जो दर लेगी उसको डबल आर के रेट से लेगी ये एस पैसा यहाँ जमा करेंगी किस रूप से करेंगी ट्रिपल आर से करेंगी अब सोचिए इमेजिंग करिएगा उस एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें यदि यहां पे डबल आर अगर इसने पैसा दिया है तो हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा ये क्या होगा कम होगा एग्जाम्पल समझो तुमने बैंक में पैसा जमा करा तो तुम तुम्हारे पैसे पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा लेकिन तुमने पैसा लिया है बैंक से तो क्या होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ज्यादा लगेगा इससे यह चलता है पता कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दो कम से कम कुछ तो लाभ मिल जाएगा लेकिन यहां पर यही कहानी यहां फॉलो होती है कि आर हमेशा डबल आर को ज्यादा रखती है और ट्रिपल आर को कम रखती है यानी एक प्रकार से समझिएगा एक पति पत्नी की कहानी समझो अगर ये मेल और फीमेल है मेल पैसा दे रहा है अपनी फीमेल को मतलब अपनी पत्नी को तो कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है दर भी कम लगा रहा है, कोई बात नहीं है लेकिन पत्नी ने अगर यहां इसको किसी को एक आध हजार रुपए दे दिया तो उसको दस बार तो कहेगी हजार रुपए लिए थे वो दो हजार रुपए हो गए अब अब वह तीन हजार रुपए हो गए तो ऐसे ही क्या है ये आरबीआई है जब ये पैसा देगी तो दर ज्यादा लगाएगी लेकिन जब जमा कराएगी दर क्या लगाएगी कम लगाएगी तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि डबल आर और ट्रिपल आर में अधिकतर जो होती है डबल आर ज्यादा होती है ट्रिपल आर कम होती है तो याद रखिएगा जिसमें एक आर कम है वो ज्यादा है जिसमें एक आर ज्यादा है वो और कम है वो कम है ध्यान रखना क्यों और ये कहा जाता है कि इन दोनों में समानत है एक का अंतर तो होना ही होना है बाकी चाहे चार पांच कितना हो जाए वो डिफरेंट है अलग तरीके का क्लियर है सर मजा आया यस सर नो बताइएगा यस सर नो क्लियर है यहां तक अब इस रेट को तुम समझ चुके हो तो अगली रेट और पढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं चले तो एक रोट दो रेट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज द मींस ऑफ डबल आर व्हाट इज द मींस ऑफ ट्रिपल आर एंड देन डिफरेंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट है ना आई थिंक लेकिन अब हम इसमें एक और समझते हैं एक और समझने का मतलब क्या हुआ एक और समझते उसका नाम है एमएसएफ थैंक यू थैंक यू जावेद थैंक यू एक और पढ़े या उसको बाकी दिन कर लें किसी दिन यहां तक आज टॉपिक को यहीं ऑफ कर लें चले एमसी क्यूज पे आ जाए बताओ यस और नो एमसी क्यूज पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज भी यस yes, चलिए तो क्लियर है कभी जीवन में आप भूलेंगे बताओ यस और नो बताओ क्या आप भूलेंगे तो आइएगा मजा आया सबको लाइक शेयर कर दो यार मजा आ जाएगा मुझको भी तो ऐसे ही रोज की एक टॉपिक की जर्नी हम लोग लेके आते रहेंगे और चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे राइट तो पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम तुम्हें कुछ टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसमें डबल आर ट्रिपल आर को समझा है उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में तो आइएगा कुछ करंट अफेयर टॉपिक के बारे में कर लेते हैं फिर लास्ट में फिर एमसीक्यूज़ करेंगे आपके सामने एक बार कमेंट कर दीजिएगा ऐसे कितने स्टूडेंट जो ओनली यूपीपीसीएस दे रहे हैं ना बताओ कमेंट करके ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली यूपीपीसीएस दे रहे हैं थैंक यू फॉर वाह वाहू जी वाह आरती पवार जी अरे आरती स्टार्टिंग से मत देखो बेटा अभी से देखो चलिए दस टॉपिक हम लोग करेंगे करंट अफेयर के भी ये जो टॉपिक नंबर वन है एक अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को जो मूर्खता दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया गया अब ये क्या होता है उत्कल जानने का प्रयास करें बहुत मजा आ जाएगा यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से उत्कल दिवस कब मनाया जाता है कैसे मनाया जाता है तो ये मैंने इसके सामने पूरे पैरामीटर्स लिख लिए हैं ठीक है क्या लिखा है एक अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है एक अप्रैल को उड़ीसा का अपना अठासीवा स्थापना दिवस मनाया गया तो यानी पहली बात उड़ीसा के स्थापना दिवस पर हम एक अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं पहली बात नोट डाउन कर लीजिएगा दूसरा भाषा के आधार पर एक अप्रैल उन्नीस को पहले राज्य के तौर पर उड़ीसा गठन किया गया तो दूसरी बात यह निकल के आएगी कि उड़ीसा गठन कब किया गया तीसरी बात उत्कल प्रांत के अठासीवें स्थान दिवस पर यहाँ पे जो थीम थी यहां पे उत्कल दिवस की वो क्या थी उड़िया संस्कृति और ब्रासत का जश्न यानी उड़िया संस्कृति के साथ ब्रासत का जश्न मनाना जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि दो हजार ग्यारह में हमने उड़ी जो हमारी उड़िया भाषा है उसको भी उड़ीसा को उड़िया से उड़ीसा में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद यह थीम उड़ीसा के विशाल सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रकाश डालने का काम करती है दूसरा दो की थीम का जो उद्देश्य है वो क्या है वास्तुकला के रूप में मूर्ति कला के रूप में विज्ञान के रूप में, रूप में दर्शन के क्षेत्र में उड़ीसा के योगदान को रेखांकित करने का पर्पज है कि अभी तक उड़ीसा ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया है नेक्स्ट क्षेत्रफल के आधार पर देश का यह आठवां देश है और जनसंख्या के आधार पर यह ग्यारहवा सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा राज्य में ध्यान रखना वर्तमान में तीस जिले हैं दो पॉइंट समझिएगा अकॉर्डिंग टू एरिया एट पैलेस पर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पे आता है उड़ीसा आदिवासियों के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है तो यह भी ध्यान रखने का जो हमारे पास आदिवासी लोग होते हैं उनके स्थान पर तीसरा राज्य है भारतीय संसद के द्वारा नवंबर 2000 को उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ी क्या रख दिया गया उड़ीसा रख दिया गया उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा रख दिया गया ओडिशा को धनकना भगवान जगन्नाथ की भूमि भी कहा जाता है यूपीपीसीएस में यहां तक पूछा गया है कि ये मंदिर किसको समर्पित है इसीलिए ये किसको भगवान जगन्नाथ की भूमि भी कहा जाता है अब इसी पॉइंट से हमने कितने क्वेश्चन निकाले पहले समझो उत्कल दिवस कहां मनाया जाता है कब मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है ये सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे वर्तमान 2023 की थीम क्या थी उसके बाद यहां पे उड़ीसा का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पूछ लेगा अगर वो ऐसा पूछता है ध्यान रखना तो यहां तक हम ही कह सकते हैं इस टॉपिक को कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ कमेंट करके बोलिए यस ये पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसका लिंक डेस्क्रिक्स में दिया गया है आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं तो यहां से एक टॉपिक क्लियर किसी को डाउट तो नहीं दूसरा टॉपिक क्या है देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा दूसरा भारत के अंतर्गत प्रथम राज्य कौन सा है जो झुग्गियों से मुक्त हो चुका है झुग्गी मतलब जहां पे इस्लाम जनसंख्या रहती है अब क्या है देखिएगा उड़ीसा देश का पहला राज्य बन चुका है जिसको मुक्त कर दिया गया झुग्गियों से देखिएगा उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षा लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है इसके तहत राज्य की जो 2919 नाइन वन नाइन झुग्गिया थी वो अपग्रेड करके उसमें किस मिशन से जगह मिशन चलाया गया था उसके कार्यक्रम से उसको हम लोगों ने झुग्गी से मुक्त कर दिया गया है दूसरा पॉइंट क्या महत्व इस मिशन के तहत पांच वर्षों में एक लाख पिछहत्तर हजार परिवारों को भूमि का पट्टा प्रदान किया गया और पिछले पांच वर्षों में एक लाख पिछहत्तर हजार परिवार को भूमि अवधि सुरक्षा प्रदान की गई कि आप इस पर रहोगे साथ में यहाँ पर दो हजार सात सौ पिछहत्तर जो मलिन बस्तियां हैं कहना कहीं ना कहीं पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्शन प्रदान किए गए और पानी को पहुंचाया गया और उन्नीस में उड़ीसा के जगह मिशन के द्वारा यहाँ वासियों को यहाँ पे करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से भी मिला है भूमि और झुग्गे के लिए कार्यक्रम भी हम लोगों ने चलाया गया तो यहां से जब भी प्रश्न आएगा तो एक ही पॉइंट निकल के आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा झुग्गी मुक्त अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया है तो आप बोलेंगे उड़ीसा के द्वारा चलाया गया है यानी उड़िया के द्वारा चलाया गया है वर्तमान में भारत का एक प्रथम राज्य झुग्गी मुक्त राज्य हो चुका है जिसका नाम क्या है उड़ीसा हो चुका है देखिएगा बोलिएगा मजा आ रहा नहीं आ रहा कमेंट करके बताओ क्लियर है यहां तक दूसरा टॉपिक भी आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे कमेंट करके बताओ नो yes no? तीसरा टॉपिक आपके सामने ये रहा त्रिपुरा सरकार की यहां पर पहल पर सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया यहीं से पूछ लेगा कि सह हर्ष शिक्षा कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा चलाया गया तो त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया क्या है यहां पर सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष कार्यक्रम को चलाया गया अब ये क्या है सामाजिक शिक्षा समाज में कैसे कैसे जीवन यापन किया जाता है कैसे कैसे बर्ताव किया जाता है इसके लिए यहाँ सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम को बताया जाएगा साथ में जो भावात्मक हमारे देश में अगर देखा जाए नैतिकता की जो कमी है लगातार बढ़ती जा रही है घटती जा रही है सॉरी और जब नैतिकता घटने का पर्पज आप देखेंगे एक यूपीएससी के अंतर्गत जब नैतिकता का पार्ट पढ़ता है तो पहला यही पार्ट पढ़ता है कि मैं देश की रक्षा करूंगा नैतिकता का व्यवहार पड़ता है यानी यहां से यहां से एक प्रकार से अगर हम ये कहें तो नैतिकता का पार्ट पूरा ही पढ़ लेता आई एस में लेकिन वही आई जब बनने के बाद उसके नंबर आता है तो वही कोचिंगों से मोटी मोटी फीस अदा करता है कि बस इसलिए कहने के लिए कि मैं यहां पढ़ा हूं यहां से मैंने कोचिंग करी है यहां से मैंने यहां पे टेस्ट दिया है इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है देश देश के के कि ये कहने के लिए मतलब एक स्टूडेंट जिससे पढ़ा है वो ये भूल गया कि भैया मेरा ये अध्यापक है कितना बुरा हाल होगा नैतिकता का ऐसे ही जब बच्चों के प्रति एक भावात्मक चीजें देने के लिए ध्यान रखना यहां पर क्या किया गया है यहां पर इसको सहरद कार्यक्रम चलाया गया तो यहां कुछ नहीं करना है इसके अंतर्गत इतना ही पूछेगा कि सहर

मैं ये कह सकता हूं कि लगभग ऐसे ऐसे करके आप पांच टॉपिक पढ़ लीजिएगा और डेफिनेटली अगर वहां पर नाइन्टी परसेंट जो करंट अफेयर है वो रेडी हो जाएगा इस तरह से पढ़ लीजिएगा बस बस इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा राइट क्वेश्चन टॉपिक नंबर थ्री के बाद टॉपिक नंबर फोर टॉपिक नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे नीचे दस्ट में लिखा हुआ है एक सौ आठवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस देखिएगा अब ये प्रश्न ने कई बार पूछा ये उसका पसंदीदा प्रश्न है वो मैक्सिमम टाइम वो पूछता रहता है आइए तेईस को लेके चलते हैं जनवरी को यहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में पहला पॉइंट तो यही एक सौ भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित कहां किया गया तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया तीन से सात जनवरी के बीच में ये पूरी कहानी है यहां पे तो महाराजा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया गया और इसका उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया विषय वस्तु क्या, है। क्या है? प्रौद्योगिकी यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ महिलाओं को इंपावर करना है जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी को हम इंपावर नहीं करेंगे तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग यहां पर महिलाओं को इंपावर नहीं कर सकते तो यह इसका विषय है क्या भविष्य के बिंदु हैं कैसे है ये क्या इसकी हिस्ट्री है 1914 में पहली बार यहां सम्मेलन किया गया था तो क्या इसका उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को विज्ञान के साथ जोड़ना साइंस के साथ जोड़ना लोगों को अवायर करना ये इसका एक मोटो होता है इसको आपको मैं डायरेक्टली डा, पी से दे दूंगा इसको आप आराम से कर लेना राइट टॉपिक नंबर यहां पे फाइव अब दूसरी बात हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह आपको पता है गृह मंत्री हैं इनके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया जो यहाँ पर उड़ीसा का जो अस्का थाना है सबसे नंबर वन थाना घोषित किया गया यानी जो यहाँ पर अस्का थाना उड़ीसा का वो सबसे नंबर वन अब सबसे बढ़िया थाना कौन सा होगा जहां अपराध नगरनी होंगे जहां क्राइम शून्य होगा जहां उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो बेहतर होगी तो यानी ये कह सकते हैं एक सौ पैंसठ मानदंडों के आधार पर ये इसके आंकड़े को रिप्रेजेंट किया गया पूरे इंडिया के आंकड़ों को रिप्रेजेंट इकट्ठा करने के बाद यहां पर उड़ीसा का जो अस्का थाना है वो देश का नंबर वन थाना आया है ये बात दिमाग में रखने का प्रयास करें कि दो में भी ऐसे आंकड़े घोषित किए गए थे दो तो हजार में देखा जाए सदर बाजार पुलिस स्टेशन क्या था सबसे पुलिस स्टेशन था अगर यहां पे पुरस्कार देने का पर्पज इतना होता है कि कहीं ना कहीं हम ये देख पाए कि किस प्रकार से कौन सी सरकार कैसी काम कर रही है तो यानी आपको यह भी मिल जाएगा उड़ीसा का नंबर टू पे कौन अस का थाना पहले स्थान पर है उड़ीसा का गंजम जिला का थाना दूसरे स्थान पर है और उत्तराखंड का चंपापत जो तीसरे स्थान पर है तो ये तीन थाने ऐसे हैं जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहाँ पे किए गए अब भैया थाना कौन सा अच्छा होगा जहां शून्य होंगे जैसे आप जाएंगे कई सारी कंट्री ऐसे हैं जहां जेल नहीं है जहां जेल नहीं है तो वहां अपराध नहीं है वहां अपराध क्यों नहीं है वहां लोग पढ़े लिखे हैं इंडिया में तो देख रहे हो तुम चार पांच दिन पहले अतीक को हत्या कर दी गई अब सोशल मीडिया के पास कुछ टाइम ही नहीं है यही करने लगा है कि अतीक का प्यार कैसे शादी पच्चीस साल, साल हो हो, के, के, बच्च्च्च के मोहल्ले में घर कहा था बताइएगा क्या ज्ञान मिल रहा है इससे हमारे युवाओं को देश की जनसंख्या हो गई आज एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास इंडिया की जनसंख्या टॉप पे आ चुकी है देखिएगा करते रहो सिक्सटी परसेंट हमारे देश में युवा लोग हैं और जिस देश में 68 युवा है, उसकी जीडीपी खाली पड़े खा रहे कितना गंभीर विषय सोचिएगा मर जाओ डूब के यार सोशल मीडिया वालों तुम लोग यार तुम्हें बात शिक्षा पे करनी चाहिए तुम्हें बात स्वास्थ्य पे करनी चाहिए तुम्हें सुरक्षा पे बात करनी चाहिए तुम एक आतंकवाद की को अपनी टीआरपी के जमा के ध्यान रखना लगे हो उसमें पूरा करने में ठीक है तो ये आपके दिमाग में रखने का प्रयास करें टॉपिक नंबर सिक्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरस आजीविका का मेला सरस आजीवी का मेला दो जगह मनाया गया है यूपी में भी और जम्मू कश्मीर में भी अब ये क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अभी हाल ही में चार फरवरी को यहां पर बागे बहु में सरस आजीवी का मेला मनाया गया

तो आपका आंसर क्या है बोलेंगे सर यहां पे जम्मू उसमें जम्मू कश्मीर में राइट बनेगा कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ अगला क्वेश्चन यहां से टॉपिक नंबर सेवन है यूपी सरकार के द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी यानी इंडिया में अगर हम ये देखें तो हम अभी तक ये सर्वे नहीं कर पाए कि इंडिया में लोग विराजमान कितने रहते हैं इंडिया में लोग जीवन यापन कितने कहते हैं मतलब उनकी एक आइडेंटिटी पहचान ही नहीं कर पाए इसीलिए यूपी सरकार के द्वारा पहली बार यहां पर वन फैमिली वन आइडेंटिटी मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे एक आधार कार्ड होता है अब आधार कार्ड तो आदमी का इंडिविजुअल है परिवार का तो नहीं है तो यहां पे अब पारिवारिक आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए यहां पे एक फैमिली को एक कार्ड आइडेंटिटी आड़ेंड़, मिलेगी तो उसके पोर्टल लॉन्च कर दिया गया जहां पर डाटा को इकट्ठा कर रहा है इससे जब प्रश्न बनेगा इससे क्या होगा इससे एक प्रश्न ये बन जाएगा हाल ही में किसके द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया तो आई थिंक यू कैन से उत्तर प्रदेश के द्वारा इससे क्या होगा सपोज कर लो आज के समय में क्या हो रहा है मुफ्त राशन मिल रहा है सस्ता राशन मिल रहा है आपको मैंने बताया होगा कि सरकारें बहुत चलाक होती हैं हमेशा रोटी कपड़ा मकान पर लिझा के रखती हैं हर बार 1950 से लेकर उन्नीस सौ तक किसी सरकार ने शिक्षा की बात नहीं करी स्वास्थ्य की बात नहीं करी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी इनोवेशन की बात नहीं करी किसकी बात करते हैं तुमको रोटी की व्यवस्था करेंगे तुम्हारे भत्ते की व्यवस्था करेंगे तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेंगे अरे मर जाओ गेंडूब के भाई तुम लोग यार इवन जब तुम किसी व्यक्ति को सक्षम बना दोगे रोटी कपड़ा मकान खुद इकट्ठा कर लेगा तुम सक्षम ही नहीं बनाओगे तुम गुलाम रखोगे धन रखना तो क्या होगा फिर वो कहां विचार तुम्हारा ठोकरे खाता रहेगा इसीलिए यहां पर यह पॉइंट किया गया किसके लिए परिवारों को उद्देश्य क्या देखो परिवारों को मुफ्त एवं सस्ता राशन उपलब्ध कराना और जिनके पास कार्ड नहीं है उनके कार्ड बना के उनको यहां पर राशन मिलेगा राशन की बात की जा रही है अभी भी देखिएगा राइट टॉपिक नंबर सेवन के बाद टॉपिक नंबर एट सबसे अच्छा पॉइंट बनता है अगला पॉइंट ये पूछेगा सारे प्रश्न देखिएगा मैं, एक एक प्रश्न एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत इंडिया के अंतर्गत आज भी दस करोड़ मामले पेंडिंग है कोर्ट में देखेगा क्यों है छोटा मोटा झगड़ा हुआ दे कोर्ट चलेगा दे सुप्रीम कोर्ट दे हाई कोर्ट क्यों? क्यों क्योंकि निचले लेवल पर अब यहां पे न्याय नहीं हो रहा है आप तुम गांव में जाओगे परिवारों के आधार पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी नगणनीय भूमिका निभा रहे हैं मतलब वो छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो पहले परिवार के चार पांच लोग होते थे जिनको पंच कहते थे सुलझा लेते थे लेकिन ऐसा नहीं किया जाता था अब अब क्या हो रहा है ये समस्या निकल कर आ रही है तो देश में पहली मोहल्ला लोक अदालत का स्टार्टिंग किया गया है कहां पर अगर कहीं पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो इसको स्टार्टिंग किया गया है पांच जिलों में शुरू कर दिया गया कब से दस फरवरी दो हजार तेईस में इसमें क्या होगा इस योजना के अंतर्गत जिले भी अगर जिले तो खैर नहीं पूछेगा बिलासपुर रायपुर दुर्ग जगदलपुर और अंबिकापुर अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस में ही पूछेगा यूपी पीसीएस में सिर्फ इतना पूछेगा कि हाल ही में देश की पहली लोक अदालत जो है कहां स्टार्टिंग की गई है तो यू कैन से छत्तीसगढ़ में की गई अब देखो इसको पेंस के एस्पेक्ट पर अगर देखेंगे तो यहां पे विधिक सेवा का विस्तार करते हुए इसको स्टार्टिंग किया गया है इसका पर्पस इतना सा है कि जो जितनी भी छोटी मोटी कार्रवाई होती है छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो लोकल लेवल पर सुधर जाए इससे इससे क्या चलता पता मान लो एक गांव है यहां पर एक गांव में एक पंचायत होगी अब पंचायत का मुखिया कौन होता है प्रधान होता है अगर प्रधान अपने एरिया के सारे जितने भी न्यायिक मामले हो कोई से भी मामले हो अगर यही सुलझाएगा तो भाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पर बोझ कम होगा एक देश में जहां डेढ़ सौ करोड़ जनसंख्या निवास करती है इंडिया के अंतर्गत और वहां चौंतीस जज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में चौतीस लोग डेढ़ सौ करोड़ लोगों का न्याय कैसे कर सकते हैं भाई दुख होता है मुझे सुनते हुए देखिएगा राइट तो यानी यहां अगर आपसे पूछेगा तो यहां पर एक ही पॉइंट है इसका थीम रखा गया है विधिक सेवा के अंतर्गत लोगों को घर पहुंच के न्याय करना यानी लोग लोगों को घर पर ही न्याय मिले इसका एक उद्देश्य है और कुछ नहीं उद्देश्य है क्लियर यहां तक टॉपिक नंबर एट टॉपिक नंबर नाइन आपके सामने मजा आ रहा है करंट अफेयर में नहीं आ रहा बताओ यस, यस और नो बताओ वेरी गुड प्रधान भी सबका नहीं होता तो अकेला प्रधान थोड़ी होगा सभा में कई लोग इकट्ठे हो जाए दस लोग लगा दीजिएगा अगर तुम कर सको तो चलें मजा आ रहा है एक बार कमेंट तो कर दो यार हां प्रिया जी मैं प्रधान हूं ए मेरा बाप प्रधान है <laughs> क्या बात है देखिए चलिए चले आगे सप्तकोटेश्वर मंदिर देखिएगा यू पी सी यहाँ तक पूछा है जो हमारे पास जो छठ होता है उसमें किसकी पूजा की जाती है या किसको समर्पित है ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखेगा सब तो कोटेश्वर मंदिर पहले तो यही पूछ लेगा क्यों आ, क्यों चर्चाओं में रहा है कहाँ पर है क्या किया गया है इसके बारे में वो पूछ लेगा आपसे तो 300 साल तीन सौ पचास साल पुराना जो सप्तको मंदिर है उसको कहीं ना कहीं द्वारा जीवों और उसको एक प्रकार से रिग्नाइज री, किया गया है तो वहां की गोवा की सरकार ने गोवा में स्थित है पुर्तगाली को द्वारा गोवा के विजय के पश्चात इस में ध्यान रखना नष्ट कर दिया गया था यह भी एक है कि किसने नष्ट किया गोवा ने पुर्तगाली नष्ट कर दिया इस मंदिर को सर्वे करा रही थी जिसका पुर्तगाली नष्ट कर दिया गया था वहां पर यह सप्तकोटेश्वर गोवा के धन रखना यहाँ पर नरेवे गांव में पड़ता है भगवान शिव को क्या है समर्पित है और यहाँ पे पॉइंट इतना याद रखिएगा कि सप्त तो, सप्त तो गोटेश्वर मंदिर कहां पर है किसको समर्पित है क्या किसने इसको ऊपर नष्ट करा जैसे कई बार वो पूछ लेता है कि बिहार की जो यूनिवर्सिटी थी उसको किसने बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था तो ऐसे ही ये पूछ लेगा सोलह ईस्वी में पुर्तगालियों पर विजय के पश्चात शिवाजी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इसके गर्भगृह की दीवार शादी से निर्मित है ये कभी नहीं पूछेगा मंदिर का मंडप एक विशिष्ट यूरोपीय शैली में निर्मित है इसके चारों ओर क्या ब्राह्मण धर्म के संदिग्ध लटाइट के पत्थर की गुफाएं बनी हुई है ये कुछ नहीं पूछे इतना पूछेगा कि सत्य गोटेश्वर जो यहाँ पे मंदिर है सत कोटेश्वर कहाँ पर है गोवा में है कहाँ पर है तो नरेबे गांव में है क्यों क्यों फेमस है इसको पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया था हाल ही में इसको पुनर्जीवित किया गया है इसको शिव को समर्पण

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के साथ यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है हमारे यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी जो सुरक्षा गार्ड होती है गार्ड होती है बली हाईलाइट आपको पता भी होगा मोदी जी सुरक्षा कौन करते हैं एनएसजी कमांडो करते हैं तो कितनी मतलब उसकी ट्रेनिंग होती है आपको पता भी होगा नब्बे दिन को लगभग उससे गुजरना पड़ता है कड़ी प्रतिष्ठा के साथ एनएसजी में कमांडो आप ऐसे नहीं बन सकते नाइट इसका उद्देश्य है क्या आतंकवादियों के द्वारा ले जाने वाले रासायनिक जितने भी हथियार हैं उनको निष्क्रिय करना यानी आपको पता होगा जब आतंकवाद है तो वो एक हमारी सुरक्षा से भी ज्यादा जो आप देख पाते होंगे कि खतरनाक हथियार होते हैं उनको निष्क्रिय कैसे करना है इसके माध्यम से यहां पे इसका वो है अभ्यास में पहली बार रासायनिक जैविक रेडियोलॉजी का परमाणु जितने भी आतंक प्रतिक्रिया है उनका कहीं ना कहीं यहां पे शामिल किया गया जिससे ये परीक्षण ले सके और उसको चलाने का प्रशिक्षण ले सके और आपस में टकराव करके अभ्यास कर सके राइट अभ्यास में आतंकवादी को द्वारा रासायनिक जैविक हम लोग निपटने के लिए एक अभ्यास ये शामिल किया गया तो याद रखिएगा कि भैया तर्कस क्या है क्यों किया गया कैसे किया जाता है किसके बीच किया जाता है कब हो रहा है क्यों हो रहा है सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे इस पॉइंट से यह सुनो बताओ चले मजा आ रहा है बनिया बताओ कमेंट करके यस सुनो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं किसकी अब हम बात करते हैं बेटा जल्दी से बताओ कमेंट करके पी वाई क्योंकि साथ एप टेस्ट की आइएगा ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया जो आपसे वादा किया था कि ये वाला पॉइंट भी करेंगे राइट तो दैट फर्स्ट इज फिनिश एंड देन ये भी सॉरी uh, ये भी फिनिश अब बात करिए टारगेट टॉपिक की तुम्हें घर से कौन कौन सी टॉपिक रेडी करने हैं उसको भी आप लिखने का प्रयास करें एक बार ठीक है जो टॉपिक तुमको रेडी करने हैं मैं पर डे आपको पांच टॉपिक देता हूं एक बच्चा कह रहा सर मेरे गांव में किसी की शादी है देखिए तुम भी चले जाओ घर उस किसी की जो शादी हो रही है चले जाओ उसमें गम में शामिल होने के लिए गमी है ध्यान रखना है लाल दुपट्टा मेरा मलमल मल गया उड़ गया हवा के झोंके से हैं गाना सुने हो नहीं सुने हो चलें बेटा बताओ कमेंट करिएगा चलें स्टार्ट करें तैयार है पी के लिए आप लोग तो होमवर्क में आप लिख लीजिएगा जो आपको रेडी करने हैं पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक अगर मेरे अनुकूल चलते रहोगे तो ये मान के चलें कि ये वो टॉपिक दे रहा हूं जो आपका बिल्कुल उंगली पकड़ पकड़ के चलना दिखे बड़ा मजा आ जाएगा राइट टॉपिक फॉर तुम्हारे शादी बर्बादी है भाई पढ़ लो भाई बिल्कुल सही बात पहला टॉपिक आपको करना है पॉलिटी में रेडी करना है आपको पॉलिटी में रेडी करना है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग और एक रेडी करना है यहां पे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ये दो टॉपिक कल तुम्हें रेडी होने ही चाहिए देखिएगा अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में तुम्हें रेडी करना है कल मैंने आपको गवर्नर्स दिए थे याद है अब यहां पे हिस्ट्री में तुम्हें तो रेडी करना है देखेगा बहुत अच्छा टॉपिक दे रहा हूं आपको मैं जो हाँ से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं एक तो याद करना है आपको असहयोग नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन अच्छे से पढ़ना है इसको दूसरा करना है यहां पे साइमन कमीशन और तीसरा करना है यहां पे गोलमेज और चौथा करना है हिस्ट्री में गोलमेज के अलावा नेहरू रिपोर्ट ये चार टॉपिक आपको हिस्ट्री में रेडी करने हैं अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो और तीसरा अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर कृषि और कृषि में सब आ जाएगा चाहे वो कृषि की मिट्टियां हो चाहे कृषि की जलवायु हो चाहे कृषि के अंतर्गत जितनी क्रांति रिवोल्यूशन हुए हैं वो हो इसको पढ़ना है नंबर फोर अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में आपको पढ़ना है ध्यान रखना कल सर्वे जो 2023-22-23 का सर्वे है उसको जरूर एक बार कल रिवाइज कर लो जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा तो ये आपको रेडी होने चाहिए पॉलिटी में हिस्ट्री में ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में बोलिए सर अब चलें ये बातें तो हो रही आपको टारगेट देने की जो मैं आपसे बोल रहा था कि टारगेट दे देंगे यहाँ पे टॉपिक को पढ़ लेंगे थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लेंगे आइएगा अब बात करते हैं टेस्ट की बारी आती है खोल लीजिएगा अपनी बुझाओं के बल को और दिखा दीजिएगा कितना है तुम्हारी बाजुओं में बल देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन कर पाते हैं सही चैलेंज है आज सबके लिए राइट चले लेट्स स्टार्ट एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस 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 लेट्स 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 बताओ कमेंट करके जल्दी से बताओ कमेंट करके तैयार हैं सब लोग यस रेडी चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे कम माइंड टेस्ट है कल भी रोज टेस्ट चलेंगे के के ये मान चलें कि यूपीएससी करना हो यूपीपीएससी क्वालिफाई करना हो इसका एक ही रास्ता है कि मैक्म क्वेश्चन को टच टैकल करिएगा तभी आप कर पाओगे आइएगा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दिखेगा देखते हैं कितने महारथी आज इस समुद्र की यात्रा में डुबकी लगाने के बाद निकल जाते हैं और तुम एक सौगंध है उस इंसान की के बारे में आप यहां पे बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पैडोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंट्रोमोलॉजी ब्रांच ऑफ जुलजी ट्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन पैडोलॉजी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन एंटोमोलॉजी जुलॉजी का अध्ययन ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन बताइए कौन सा आंसर इसका सही है बताइए एक्सेप्ट सर मिस्त्री लाल थैंक यू अब की बारी है बताइए जैसा कि जितने भी एंथ्रोपोलॉजी माइक्रोलॉजी ट्राफोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ट्र, एटोमोलॉजी ट्र, या पेडोलॉजी ये यहां पे जो लॉजी जो अध्ययन है ना इसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा और इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या क्वेश्चन सही नहीं होगा तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें सही नहीं है पूछ रहा है पैडोलॉजी पैडोलॉजी का मतलब होता है आप यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण से मतलब है प्राकृतिक वातावरण का मतलब मृदा से मतलब है सोइल से मतलब है यानी एक प्रकार से मुद्रा मृदा आकार की अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं पैडोलॉजी कहते हैं अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पैडोलॉजी कौन सा इसमें से सही नहीं है ये पूछा गया है तो यहाँ सही नहीं है तो यानी पहला सही नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे जीवाश्म का अध्ययन की मतलब नहीं है ये मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पैडोलॉजी तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है इज राइट आंसर तू हवा है तो कर ले हवा ले मुझको इससे पहले कोई और ना बहा ले मुझको अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा इस प्रश्न को भी तुम नहीं कर पाओगे तो भैया तुम डूब के मर जाना इतना इजी फिजिक्स का क्वेश्चन दे रखा है क्या लिखा है सूची वन सूची दो को सुमिल करना है कि नीचे देखिए कूट में कौन सा सही है कूट कौन सा है यह लिखा है पहले का चार है या दूसरे का दो है तीसरे का तीन है या चौथे का पहला है यह आपके सामने दिया दिखेगा बताइएगा बताओ जल्दी से बताओ कमेंट करके बताओ कमेंट करके बताओ मजा तभी तो आएगा 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 भाई हाइग्रोमीटर किसको बोलते थे हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग आद्रता नापते हैं ह्यूमिडिटी नापते हैं तो भाई पहली बात तो समझो जब हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापते हैं तो पहले का दो ऑप्शन हो गया अब दो कहां कहां है देखो यहां या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा यानी पहले दूसरे को खल्लास कर दो चौथे को आई हाय आए हाय उसके बाद आता बैरोमीटर बैरोमीटर से क्या नापते हैं दाब नापते हैं तो बैरोमीटर से अगर दाब नापेंगे तो मेरे लाड लो ये बताओ एयर प्रेशर नापेंगे बैरोमीटर से तो दूसरे का चार आ गया दूसरे का चार कहा यहां भी, यहां भी, धारा नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं तो क्या हो जाएगा तीसरे का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा तीसरे का पहला ये रहा तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा दो पर क्या बनेगा दो चार वन और लास्ट में तो अकेले का थ्री हो जाएगा यानी बीज राइट आंसर देखिएगा वाह जी वाह मेघा मेघा जी वाह जियो 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 मेरे लाल जीओ। जीओ। बहुत अच्छे से जबरदस्त क्वेश्चन है सारे ध्यान रखना आज क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर तीन आपके स्क्रीन पर ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है गोनीटर शब्द का अर्थ क्या है पूछा गया है कि जो गलटर है वो क्या नापता है आपसे पूछा गया है बताओ भैया इसका आंसर क्या है सब लोग आंसर दे दो तब मुझे मजा आ जाएगा नहीं तो तुम डूब के कहीं मर जाओगे ये सच है सच तो ये है कि भगवान है बताइए तीसरे का आंसर क्या है गैल्वनोमीटर शब्द का अर्थ है क्या करते हैं तो आपको ज्ञात होगा गैल्वनोमीटर जो है यहां पर देखा जाए विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए और उसको प्रदर्शन करने के लिए विद्युत क्या है उपकरण है तो इसका आंसर क्या है थ्री का <coughs> ए आंसर है बाकी आपको पता होगा शरीर के अंदर जो यहां पे देखने के लिए दबा में प्रयुक्त एक उपकरण है वो क्या बोलते हैं उसको एंडोस्कोप बोलते हैं राइट और यहां से पानी के नीचे ध्वनी की रिकॉर्ड करने के लिए सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको पता होगा आपको गाइग्रोस्कोप बोलते हैं राइट और यहां पे को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण होता है आपको पता होगा हाइड्रोफोन के नाम से हम लड़ना ध्वनी की को सुनने का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर सही क्या है यानी ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है गोवा में स्थित जो सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का क्या नाम है देखिएगा आई हाय क्या बात है सर दिल खुश हो गया कितना मजा आ जाएगा बताइए इसका आंसर क्या है अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया है बताओ इसके क्या नाम है इसका बताइए क्या है इसका आंसर बताओ जो हाल ही में जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम दिया गया सालार जंग धरोहर विरासत यह संगठन तो आपको ज्ञात होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारे कॉर्पोरेट मंत्री सीतारमण जी के द्वारा यहाँ गोवा में इस सीमा शुल्क के साथ साथ जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसे कहीं ना कहीं धरोहर है यानी धरोहर यानी राष्ट्र को समर्पित किया गया है एक प्रकार का संग्रहालय है जहां पर जीएसटी जैसी प्रकार की धन रखना क्रियाएं की जाती हैं कैसे कराधान इकट्ठा किया जाता है यह पूरा संग्रहालय बनाया गया तो यानी चार का क्या है बी इज राइट आंसर चार का बी इज राइट आंसर चलिए पांचवे का क्वेश्चन का आंसर ये रहा पांचवा क्वेश्चन सब लोग देने का प्रयास करें मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर दे पाएंगे पांचवे का बताइएगा फटाफट जल्दी से उत्तर प्रदेश के विधायक स्थानीय क्षेत्र का विकास निधि के लिए बढ़ाकर क्या कर दिया गया है तीन करोड़ पांच करोड़ चार करोड़ तीन करोड़ इकतीस मई दो को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यूपी सरकार के द्वारा जो यहां पे उत्तर प्रदेश के लिए जो एम जो फंड होता है जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली जो बोलते हैं एमपी लेट जो फंड होता है जिसको स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है उसको तीन करोड़ से कितना कर दिया गया पहले तीन करोड़ रुपए था अब कितना कर दिया गया उसको पांच करोड़ रुपए कर दिया गया है यानी कितना कर दिया गया पांच करोड़ रुपए कर दिया गया तो आपको पता होगा कि यहां केंद्र सरकार के द्वारा संसद के द्वारा इसको संशोधन कर दिया गया था और आपको ज्ञात भी होगा कि कोविड के कारण जो है इसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था और पोस्टपोन करने के बाद यहाँ पे क्या किया गया उसको हम लोगों ने यहाँ पे तीन से पांच कर दिया गया है 2020 में इसे पहले दो में इसे दो से तीन किया गया उसके बाद उसको तीन से पांच कर दिया गया राइट तो यहां आंशिक रूप से दो हजार के आसपास से क्या है फिर स्टार्ट हो गया दो में कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्लियर बताइए मजा आ रहा है, नहीं आ रहा क्वेश्चन में सबको देख के बताओ यस सर नो क्वेश्चन नंबर पांच नंबर छह आपकी स्क्रीन पर देखो ये रहा बहुत मजा आ जाएगा आपके सामने दो कथन है ए और दूसरा कारण है अलग अलग तारे अलग अलग रंग धैर्य उस सजन करते हैं इस प्रकार अलग 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 रंगों में दिखाई देते हैं जो तारे होते हैं इट मीन मतलब जो हमारे पास डिफरेंट स्टार्स इवन डिफरेंट वेल लेंथ एंड द ट्रू पेपर इन द डिफरेंट कलर्स जो हमारे पास तारे होते हैं आपसे इतना पूछा गया है कि उनका जो एक प्रकार से तरंग धैर्य है जिसको लैमडा कहते हैं है ना वो क्या होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं वो अलग अलग उत्सर्जन करते हैं इसकी वजह से उनके रंग जो है अलग अलग दिखाई पड़ते हैं क्या ये बात सही है गलत है बोलो सर यस और नो दूसरा क्वेश्चन क्या है तारों के रंगों में भिन्नता मुख्य रूप से उनकी विभिन्न संरचना के आधार पर या तापमान के कारण दिखाई देती है दोनों ही बातें स्पष्ट हैं देखेगा यहाँ पे आपको ज्ञात होगा कि 200 सौ यहां पे 2000 या 200 वर्ष पहले सॉरी क्या बोल 200 वर्ष बोल रहा हूं धनकना रखना अधिकांश तारे सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो है पृथ्वी के धनरखना वायुमंडल के होकर जाता है और वायुमंडल में होकर जाने के कारण तो वो क्या होते हैं टिमटिमाते दिखाई देते हैं तो ये दोनों ही बातें क्या है सही है, पूछा -पूछा है आपसे तो दोनों ही बातें क्या ये सही है के कारण ही ऐसा कुछ होता है तरंगधेरे के कारण ही ऐसा होता है तो ये दोनों बातें क्या है? सही ऑप्शन लगा देंगे इज राइट आंसर यानी ए और बी दोनों सही है और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में इंटरलिंक करते हैं वेरी गुड बताइए भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा है कमेंट करके छठे के बाद व्हाट डू वेरी गुड मनोज कुमार जी छठे के बाद सातवां क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई जब घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाती हो तो द्रव का क्वथनांक जो है जो हमारे पास क्वथनांक जो है क्या होता है बढ़ता है घटता है स्थिर रहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है हाय हाय बताइएगा चक्रा जाओगे सारे प्रश्नों को आज है ना बहुत अच्छे प्रश्न करेंगे देखिए सारे प्रश्न आज जब घुलनशील अशुद्धियां वट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड द एडिट तो क्या होता है जब हम किसी में घुलनशील अशुद्धियों को मिलाते हैं तो दर का जो कथनांक है वो क्या होता है घटता है बढ़ता है तो याद रखिएगा वह क्या होता है आपसे पूछा गया है क्वनाक बताइएगा बताइएगा वेरी गुड क्या बोल रहे हैं बच्चे कमेंट करें फटाफट जल्दी से एक छोटी सी बात समझो बड़ा मजा आ जाएगा घुलनशील अशुद्धियों में मिलाए जाने पर द्रव के जो विलय है जो विलाय के ध्यान रखना उसके कण जो है आपस में क्या हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और कुछ कण जो सतह है ध्यान रखना क्या हो जाएगा सतह में ध्यान रखना उसके कण आपस में जुड़ जाते हैं और उसका बाष्पीकरण रोकना स्टार्टिंग कर लेते हैं तो उसका क्वनाक क्या होगा क्योंथनाक बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है उत्तर लेंस जैसा अब सारी लेंस जैसा अब तर लेंस जैसा या दोनों में ए बी यानी कौन कॉनवेक्स uh, या डाइवर्जेंट या कौन कैव? बताओ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बताइएगा सेविन एट का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से बताओ एट का आंसर ये दीवाना ही कहता है जल का जो हमारे पास अवर्तनांक होता है वो वायु से हो अधिक होता है ध्यान रखिएगा इस प्रकार प्रकाश की जब यहाँ पर उसके एक करण जल के वायु को चलते उस समय उसके बिंदु पर पड़ती है यानी ऐसा कह सकते हैं कि जल ये है वायु ये है चलती है तो यहाँ पर जब पड़ेगी उसकी जो ये पॉइंट बनेगा तो उसकी दूरी क्या है झुक जाती है क्या हो जाती है झुक जाती है तिरछी हो जाती है और जब वायु के द्वारा जल की ओर गति करते समय अविलंब हो जाता है तो क्या होगा वहां से उसके द्वारा व्यवहार करना स्टार्टिंग कर लेगा पहला पॉइंट तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे उत्तर लेंस का तो यहां कोई मतलब ही नहीं है तो उत्तर लेंस तो होगा हो ही होगा अब सारे हो जाता है अबतल मतलब यहां पे कौन कैप भी हो जाता है क्यों आपको पता होगा कि जब अंदर हवा का बुलबुला यहां पर डायवर्जन होता है तो डायवर्जन होने के लिए अबतल लेंस की तरह कार्य करता है तो अबतल लेंस की तो क्या करेगा कार्य करेगा तो यानी बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे यानी डी इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया देखेगा मेरा दिल भी तेरे लिए धड़कता है 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है यह आपसे पूछा गया है देखिए ईंधन के लिए हमारे पास कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए 2030 तक हमारा दावा है कि 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे बीके शाश्वत जो समिति की अध्यक्षता में इसका संकलन किया जा रहा है साथ में यहाँ पर कोयला मंत्रालय के द्वारा भी इसके जो मेंबर हैं यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड भी इसमें कहीं ना कहीं काम कर रही है बट आपसे इतना पूछा कितना निवेश किया गया है तो यहाँ पे चार लाख करोड़ रुपए रखना इसमें निवेश करने की एक सीमा बनाई गई है जिसके माध्यम से हम ईंधन का एक कहना कहीं लक्ष्य जो हमारे पास है यहां पर उसको सौ मिलियन टन जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे तो इसका आंसर क्या है ध्यान रखना यहाँ पे चार लाख करोड़ है इसमें गेल भी काम कर रही है इसमें कोयला कोल लिमिटेड भी काम कर रही है ये ये क्या है संयुक्त मिलकर काम कर रहे हैं राइट तो आंसर क्या बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दस आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर दस भी आई होप मुझे करने का अवसर नहीं देंगे आप इसके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे हाल ही में देखा जाए तो 2022 में जून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को कर से छूट दे दिया उस कर का फिल्म का नाम क्या था आपसे पूछा गया है तो सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी ध्यान रखना जिसको कर से मुक्त कर दिया गया है इसका निर्देशन जो है वो चंद्र जी ने किया था तो यहाँ आप जानते हैं कि बारहवीं सदी में सेवेंटी एट के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज यहाँ पे सम्राज पृथ्वीराज चौहान के लिए ध्यान रखना इसके जो वंशज है उसके रूप में जाने जाते हैं और उत्तर भारत के अंतर्गत अजमेर से लेकर दिल्ली तक कहीं ना कहीं शासन किया था इनकी राजधानी जो है आप जानते हैं अजमेर थी तो कुछ ये बेसिक बातें हैं और यहाँ राजस्थान के बागपत जिले में कहीं ना कहीं केकला के सटे सहारनपुर में यहाँ पे एक गांव के द्वारा इसे प्राचीन पुरात निरीक्षण के रूप में भी सम्राट अशोक के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए भी इसको प्रोत्साहन मिली है तो आंसर क्या है इसका बीज राइट आंसर दस के बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है डूब के मर जाना अगर यह प्रश्न नहीं हुआ ना तो भाई तुम लोग ना अपने आप को कहीं दिखा लेना बस किसी डॉक्टर के पास तुम्हारा बीपीपी हाई हो जाएगा ध्यान रखना फिर क्वेश्चन नंबर इलेवन मधुमक्खी आय हाय मधुमक्खी पालन मत्स्य पालन रेशम पालन अरे ये क्या था एक जैसा ही लिख आ गया छोड़िए इसको उल्टा हो गया ये देखिए एपिकल्चर किसके लिए बोलते हैं देखिए, सिल प्रोडक्शन या ग्रैप्स प्रोडक्शन सी कल्चर किसे बोलते हैं सरिकल्चर किसे बोलते हैं बिटी कल्चर किसे बोलते हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसे तुम करना ही पड़ेगा देखिएगा भाई सिंपल सी बात है एपीकल्चर हनी प्रोडक्शन शहद को बोलते हैं नॉर्मली बात है भाई समझो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर पिसी कल्चर फिश प्रोडक्शन को बोलते हैं सैरिकल्चर हम सिल्क प्रोडक्शन को बोलते हैं रेशम उत्पादन को बोलते हैं बिटी कल्चर हम लोग ग्रेप्स को बोलते हैं सारे ऑप्शन सही है इसमें तो आंसर क्या है बीज राइट आंसर वाजीवा जावेद जा परवीन राहुल सबके बेस्ट बहुत अच्छा सौरभ जी नेहा जी एल टी ट्वेंटी फोर आगे बताओ कमेंट करो फटाफट रवनीत जी जावेद जी मनीषा जी राहुल जी बिट्टू जी सबका आंसर भी है वाह जी वाह एक लड्डू खाओ इसी बात पे है ना एक लड्डू खाओ फटाफट अपने आप से प्यार का लड्डू खाओ किसी का है ना मजा आ गया सबका आंसर भी है वाह खुश हो गया यार सच में तुमने आज में दिल खुश कर दिया ना क्वेश्चन नंबर बारह आपके सामने प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश स्रोत द्वारा रोशन किए जाने पर विभिन्न रंगों का प्रतिबिंब जो है करने वाला साबुन का बुलबुला इसका एक उदाहरण है किसका उदाहरण है, ये हस्ते, हस्ते नहीं होता है। इसको हम लोग व्यतीकरण कहते हैं ध्रुवीकरण परावर्तन या विकर्तन यानी इंटरफरेंस या पोलराइजेशन या रिफ्लेक्शन या डिफ्रेक्शन बताइए क्या इसका आंसर आएगा बताओ बारिक अंतर बारे का आंसर बताइए फटाफट जल्दी से राहुल जी करें मार्केट बंद होगी <laughs> गिन्नी जी कह रही है शादी में जाएंगे तो खाएंगे अरे बाप रे। चला किसी की शादी होगा ही तुम तुम लिखाओगे नहीं है बताओ इसका आंसर क्या कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं विवर्तन तो नहीं होगा प्रकाश तरंगों के आधार पर उसकी विशेषताओं की परिस्थितियों के आधार पर कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान करने का गुण होता है मतलब इंटरफेरेंस करने का गुण होता है वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो और वहां से कहीं ना कहीं तरंगों के आधार पर उनके आयामों के आधार पर क्या होता है वो निर्माण करता रहता है तो इसका आंसर क्या बनेगा ए इज राइट आंसर इंटरफेरेंस जिसको व्यतीकरण कहते हैं व्यतीकरण कहते हैं राइट

अब बताओ पदार्थ की मात्रा सबको पता है किसमें नापते हैं पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा बोलेंगे सर मोल में नापते हैं अगर इसका पदार्थ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं तो पहले का आंसर दो हो जाएगा पहले का आंसर दो होते ही पहले का आंसर दो होते ही पहला के दो आंसर कहाँ लिखा है यहां लिखा है दो भाई ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा खल्लास कर दो दूसरे को इसको इलिमिनेट करते हैं बाकी हमको पता है नहीं पता है छोड़ दीजिएगा और पता है भी तब भी मत करिएगा तापमान को कैलविन में नापते हैं तीव्रता को कैंडला में नापते हैं का आंसर धारा को एमपियर में नापते हैं आंसर क्या है इसका राइट आंसर तेरह का बी तेरह का बी खुशबू ये, खुश ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना गाने वाले गायक गुनगुनाया करो अपनी मस्ती में ध्यान रखना गमों को गमों को दूर जाना है तो गुनगुनाना पड़ेगा अच्छा आप अपनी जिंदगी में हॉबी जरूर रखिएगा हॉबी कुछ भी रखिएगा उसे कहते हैं जब जिंदगी में दर्द इतना हो उससे निकलने का एक ही रास्ता हो जिसे कहते कहते हैं कहते हैं जिसको अंदर की आत्मा कहते हैं तेरह का आंसर बी चौदह की तरफ चलते हैं की तरफ क्या बोल रहे हैं चौदह का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन देखेगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जिसको इनसेपैथ का मुख्यालय कहां पर है पूछा गया दिखेगा तिरुवंतपुरम में बैंगलोर में अहमदाबाद में नागपुर में बताइए कहां इसका मुख्यालय बताइए आंसर क्या जल्दी से बताओ इन स्पेस इस इसको ऐसे लिख सकते हैं इन स्पेस का मुख्यालय कहां पर है तो जून 2022 में जून 2022 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो संवर्धन प्राधिकरण है जिसको इन स्पेस ई कह है सकते हैं ध्यान रखना इसका मुख्यालय मोदी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा ध्यान रखना कहां पर कहा के हैं मोदी जी बताइएगा बोलिए के गुजरात के हैं गुजरात में ही कुछ ना कुछ किए होंगे तो अहमदाबाद में किए होंगे और अहमदाबाद के कहा किए होंगे भोपाल में किए होंगे तो यानी यहां पे अहमदाबाद में इसको स्टार्टिंग किया गया भोपाल एक जगह है अहमदाबाद में वहां तो आंसर क्या सी इज राइट आंसर चले चौदह का सी इज राइट आंसर बेटा बी नहीं है आइएगा पंद्रवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चौदह के बाद पंद्रवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बताइए इसका आंसर क्या होगा पंद्रह में का मुझे तेरी अरे हाँ ये बच्चा वाला सुनना पसंद है सुन लो फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई तुमको संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के में कथनों तो पर विचार करें यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है इसका उद्घाटन जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद ने किया था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है आपको पता होगा तत्कालीन जो राष्ट्रपति है हमारे राम गोविंद जी जो यूपी के हैं संत कबीर नगर जिले के मघर में संत कबीर जो अकादमी है यहाँ पर अनुसंधान है ध्यान रखना वहां इसको स्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ कहां करते हैं संत संत कबीर जिले के ध्यान रखना यहाँ उत्तर प्रदेश में इसलिए यहां पे इसका पहला ऑप्शन तो रोंग हो जाता है सागर जिले में नहीं है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में यहां की की है यह बात बिल्कुल सत्य है कि पांच जून को की जाती है और द्वारा की जाती है तो यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा सी इज राइट आंसर क्योंकि एक ही सही है दूसरा पहले वाला रोंग है राइट इसके पीछे मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा इसका पर्पस क्या है संत कबीर एकेडमी जो है जो कबीर दास एक प्रकार से दीन इलाही कह सकते हैं गरीब परिवार से थे तो वहां पे दीन दुखियों के प्रति इसने की भावना रखने के लिए यहाँ इसकी स्टैब्लिश किया जाता है तो इसलिए इसके सापेक्ष बड़ी लंबी कहानी बढ़ेगी बन जाएगी मानवता की सेवा कैसे करनी है वो क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन बट अभी समझिएगा कि यहाँ कहाँ है कैसे ये दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन नंबर सोलह आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है महिलाओं की आवाज काहे पतली होती है और पुरुषों की काहे मोटी होती है ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसका उत्तर देने का प्रयास करें महिलाओं और बच्चों की आवाज पतली क्यों होती है और आदमी की जो है हरामी की आदमी हरामी तो नहीं कहूंगा आदमी की जो होती मोटी क्यों होती है तो ग्रेव और इस का एक तात्पर्य है तो ड्यू टू लो पिच एंड ड्यू टू हाई पिच ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी ये आपसे पूछा गया प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है बताइए क्या आंसर है भाई नॉर्मली बात है तारत ध्वनि का लक्षण है जिसके कारण ध्वनि का मोटा पतला कहा जाता है जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है वैसे ही ध्वनि का तारत जो है बढ़ जाता है तो यहाँ आप समझ पाते हैं कि तुमने देखा होगा कुछ लड़कों की भी आवाज़ पतली होती है कभी कभी रजाई में घुस के जब तुम बात कर रहे होते हो रात को ग्यारह बारह एक बजे गर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो मम्मी पापा ना सुन ले तो हम पतली धीमी आवाज से बोलते हैं वैसे वैसे जो धुनी का तो आवाज पतली हो जाती है तो यानी आप यहां से कह सकते हैं कि वहां पर धुनी की आवाज जो है पतली हो जाती है तो महिलाओं में तारत क्या होता है ज्यादा होता है पुरुषों में कम होता है इसीलिए पुरुष कठोर होते हैं महिला बड़ी चंचल होती हैं यानी तुमसे अगर कोई ये पूछ रहा है कि वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल और फीमेल तो आप ये कह दीजिएगा आदमी साला कठिन कठोर होता है इसलिए ध्यान रखना वो आदमी है महिलाएं जो होती हैं बड़ी चंचल होती हैं सुशील होती हैं सज्जन होती हैं इसके एक वर्ड में कहूँ तो एक मुलायम और एक कठोर वर्ड में कह सकते हैं जो मुलायम है वो फीमेल है अगर जो कठोर है वो साला मेल है देखिए कैसे एग्जाम्पल समझो आदमी का शरीर कठोर होता है महिला का शरीर जो है मुलायम होता है ये सब भी तुम छोड़ दीजिएगा तुम सोचिए लिखो ट्रक ट्रक साला कठोर है तो आ क्या होगा ट्रक जो है मेल है और यहाँ लिखो बस, बस बस बड़ी चंचल है तो क्या लिखोगे सर मुलायम है फीमेल है नदी जल नदी, धा, नदी धारा बह रही है बह रहा है ऐसा नहीं कहोगे है ना पहाड़ कठोर है साला आदमी है पहाड़ ढह गया ढह गई नहीं दिखेगा तो यानी नदी चल रही है तो जितनी कठोर चीजें हैं वो मेल है और जितनी मुलायम चीजें हैं वो साला फीमेल है दिखेगा क्लियर यहां तक मेरी एक बात समझ पाए हो कि कठोर कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं तो यहीं से कम पिच के कारण और उच्च पिछ के कारण जो होती है महिलाओं और बच्चों की आवाज पतली क्यों होती है इसका आंसर क्या बताएंगे बताओ क्या बोले इसका आंसर डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखो ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अगर ये भी तुम कर पाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़े बहुत प्राणी अच्छे हो पढ़ने लिखने में देखेगा बताओ क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह विद रेफरेंस टू द प्रोड्यूस कौन सा कथन सही पूछा गया है किस आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर आ, आयन विभव यानी इट मीन पीरियड इंक्रीज फ्रॉम द बॉटम इन द ग्रुप है ना पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसका है ना और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है किसी आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर पड़ों त्रिजाएं घटती हैं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बढ़ता है आपसे क्वेश्चन पूछा गया बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बड़ा मजा यहां से आ जाएगा देखेगा जब हम <laughs> बेटा परवीन ऐसे नहीं कहते बेटा ना <laughs> जब हम एक समूह में आवर्त सारणी को काउंट करते हैं या वहां पे उसे आगे बढ़ाते हैं तो उसके तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में कई प्रकार के धन रखना अवलोकन देखने को मिलते हैं तो यानी यहां उदाहरण के लिए सारणी रासायनिक जो क्रियाशील समूह है वो एक की धातु जो उच्च होती है और सारणी यहां से क्या होती तत्वों की आवर्ती क्या होती कम हो जाती है तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या है धन रखना रोंग है और दूसरा क्या है राइट है तो यानी सी इज राइट आंसर हम लोग इसको ले लेंगे राइट ओनली बी हाँ वेरी गुड बी आंसर सही है बट यहां पे आंसर क्या होगा ओनली टू राइट है तो इसलिए सी इज राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर बीस तक करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर अठारह आपके सामने ये रहा भैया ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है जाड़े के दिनों में लोहे के ब्लॉक और लकड़ी के ब्लॉक को सुबह से समय छूने पर लोहे का ब्लॉक जो है अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है देखेगा ये तो उस वाली कहानी आ रही है भैया सुबह सुबह उठे आपने लकड़ी को छू लिया लोहे को छू लिया तो लोहे ठंडा दिखाई दिया तो आपसे यही पूछ रहा है कि लोहे के ब्लॉक को अधिक ठंडा क्यों महसूस करते हैं ये आपसे पूछा गया है राइट बताइए क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर क्या जल्दी से फटाफट बताइए भैया लल्ला क्वेश्चन नंबर अठारह बताइएगा क्या इसका आंसर है बताइए मोहब्बत से बताइएगा क्वेश्चन नंबर बताओ क्या इसका आंसर आपको पता होगा आपको ज्ञात होगा कि कहीं ना कहीं शीतलन का नियम इसमें लगेगा आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा तो शीत ऋतु में शरीर का तापमान जो होता है कमरे के तापमान से अधिक होता है और लोहा उषमा का क्या है? सुचालक है और लकड़ी क्या उसकी कुचालक है

वेरी गुड बहुत अच्छा वाह मनोज जी वाह गिन्नी जी वाह मिसी लाल वाह जाबेद गिन्नी परमानंद सभी को मेरा प्यार भरा शुभकामनाएं ध्यान रखना मजा आ गया सर क्वेश्चन नंबर अठारह के बाद क्वेश्चन नंबर उन्नीस आपके सामने ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है विश्व दूध दिवस बाईस की थीम क्या थी बताइएगा दीक्षा जी बहुत जल्दी करेंगे बहुत जल्दी करेंगे विश्व दूध दिवस दो हजार बाईस की थीम क्या आती है सभी के लिए दूध आय हाय दूध और दुधारू पशुओं को रोकें डेरी नेट सुनने करें सु, दूध और स्वास्थ्य इसके बारे में पूछा जाता है जैसा कि आपको ज्ञात है

दूध को पशुओं को रोकने से मतलब नहीं है डेरी नेट जी ने वेरी गुड नाइनटीन और आज का प्रश्न है ट्वेंटी लो जी ट्वेंटी को तुम बता दो और फिर हम भी समझ जाएंगे तुम वही लोग हो बहुत अच्छे लोग हो आप सच में जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठन किया था बाबा भीमराव अंबेडकर भी विश्वविद्यालय भी चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय या एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विद्यालय लखनऊ में है आपसे ध्यान रखना यह अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है छह जून दो को है ना छह जून दो को यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे अब्दुल कलाम तकनीक जो यहाँ पे विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं यहां पर एक लागू प्रस्ताव किया जहां पर यह बताएगा कि कैसे कैसे उसमें हम लोग तैयार कर सकते हैं तो यह पूरा ढांचा इसका आंसर है तो इसका आंसर क्या बनेगा डी इज राइट आंसर डी इज राइट आंसर अब ऐसे कितने लोग हैं देखिएगा आज हम क्वेश्चन तो हमारे पास अभी और भी है देखेगा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आप कर लेना इनके आंसर मैं दे दूंगा देखिएगा है ना क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इक्कीस देखेगा क्वेश्चन नंबर बाईस भी अच्छा है सारे क्वेश्चन लगभग ये सो क्वेश्चन में लेके आता हूँ पर डे मुझे लगे कि हम टेस्ट पूरा कर लें तो ये कोई दिक्कत नहीं अगर हमने बीस क्वेश्चन किए तो बीस भी दमदार किए देखेगा राइट right. देखो सारे क्वेश्चन जबरदस्त वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये सीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे हमने आज तुमसे कहा था कि हम चार चीजें करेंगे बताओ करी नहीं करी बोलो ये सुनो देखो टॉपिक को भी पढ़ा थोड़ा सा जितना भी पढ़ा टेस्ट को भी किया करंट को भी पढ़ा और टारगेट भी दिया मजा आया नहीं आया कमेंट करके बताओ दिल कितना खुश हो गया आप लोगों का जो लोग सुबह नहीं आ रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं कंटिन्यू लाइव आइएगा पता नहीं कब पिटारा खुल जाए हमारे ज्ञान का ध्यान रखिएगा वो तुम्हें मिल जाएगा और मैं फिर आपको बता दूं ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे एन बैच में ध्यान रखना जुड़ने के लिए जिज्ञासु हैं मैं जैसे तुमको पता है कि जब मैं आ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ बहुत लोगों से बहुत अच्छा होऊंगा ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है कहीं रहकर तुम खुल के काम नहीं कर पाना ये भी एक बंदिश की है लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे साथ एम सी क्यूज के साथ करंट अफेयर के साथ इवन इथिक्स के, के साथ सोसाइटी के साथ सबके साथ खुल के खेल रहा हूँ देख लीजिएगा बिकॉज आई थिंक आप जानते भी हैं तो ऐसे कितने स्टूडेंट जो लगभग एन के लिए बहुत मिनिमम ध्यान रखना स्ट्रक्चर के साथ हम इसको रेडी करेंगे मिनिमम टाइम में रेडी करेंगे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी साइंस सबकी रेडी करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज रेडी करेंगे टॉपिक को लिंक करके पढ़ेंगे ये पूरी फैसिलिटीज मैं आपको बता दूँ क्या क्या करेगा इसकी पी भी मिलेगी तो ऐसे कितने लोग हैं जो इसके लिए तैयार हैं, उन्हें लगता है कि भाई हम तैयार हैं इस पॉइंट के लिए तो एक बार सभी लोग कमेंट भी करिएगा दिलीप अभी स्टार्ट नहीं किया है दिलीप स्टार्ट करेंगे अभी अभी स्टार्ट नहीं किया है इसको स्टार्ट करेंगे राइट स्टार्ट करेंगे अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है तो आप जितने भी लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं प्लीज दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू तो एक बार कमेंट अगर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ देने की ध्यान रखना बेहतर दे दुनिया रही है लेकिन बेहतर देने की आपको पता है आई एम एक्सपर्ट ऑल सब्जेक्ट बिकॉज आप जानते हैं कि मैं C के बारे में आपको बता दूं चाहे एनसीआर हो चाहे वो पी एस आई आर ऑप्शनल हो चाहे ऐसे राइटिंग हो या आंसर राइटिंग हो देखो आंसर राइटिंग में हमने महारत हासिल किया आपको पता होगा पर डे एक क्वेश्चन किया दो क्वेश्चन किए आपने कितना उसमें एंजॉय किया उसको फिर अगेन लेके आ रहे हैं हम लोग किसी को कहीं ज्वाइन नहीं करना कोई सा भी बैच बचना एनसीआर ज्वाइन एनसीआर हम लोग लेके आ रहे हैं आंसर राइटिंग हम लोग लेके आ रहे हैं है ना ऐसे राइटिंग हम लोग लेके आ रहे हैं इंटरव्यू हम लेके आ रहे हैं देखिए कितना मजा आ जाएगा सोचिएगा तैयार हैं तैयार हैं हम करें बताओ इसमें पूरी प्लानिंग चल रही है बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्चिंग करूंगा मैं बट आपका प्यार बना रहे आपसे उम्मीद करता हूं कि जितनी अपेक्षा मैं आपसे करता हूं उतनी अपेक्षा मुझसे भी आप करते हैं मैं आपकी अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरूंगा ये मेरा प्रॉमिस वादा है ध्यान रखना कभी भी मेरे अंदर जो एक नॉलेज है उसमें आपको जान भी चुके होंगे कि मैं जो बताता हूं जो कहता हूं जो करता हूं वो बिल्कुल टू द पॉइंट करता हूं ठीक है तैयार है आप मेरे साथ कमेंट करिए यस और नो चलिए तो सुबह मिलेंगे साढ़े सात सुबह मिलेंगे साढ़े आठ बजे हम लोग किसके साथ आ, सी सेट के साथ तो सुबह भी आना ना भूले क्लास देखो वहां पे सेविन हो चुकी हैं सबको देखो क्लास नंबर का लेट होगी तो ऐसे ये क्लास चलती रहेंगी प्रियम्स के लिए आप इनका एंजॉय करें ठीक है मिलते हैं सुबह एंजॉय करें आई होप मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने बीस क्वेश्चन किए होंगे सबने पंद्रह सौ ऊपर सही है या बारह ऊपर सही है? बताओ कमेंट करके दिल दिया है, जान भी देंगे वतन तेरे ही लिए ठीक है तो मिलते हैं सुबह साढ़े आठ बजे सभी लोग लाइव आके बातें करें करें ध्यान रखना देखा करें उससे इंटरेस्ट आता है तुमको भी और मुझको भी राइट तो मिलते हैं सुबह ऑल द बेस्ट लव यू ऑल बाय बाय, टेक केयर